मॉर्निंग टॉप हेडलाइंस के साथ मैं एक बार शाज़ा मीर फिर हाजिर हूँ। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोख ने जम्मू कश्मीर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर ले। एनआईए ने बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में कई मुकामात पर 2019 में हुए नक्सली हमले को लेकर छापे मारे। वाजा रहे कि 2019 के इस नक्सली हमले में 5 पुलिस कर्मी मारे गए थे। भारत जोड़ो यात्रा से एक रोज कबल लुधियाना में कांग्रेस भवन के बाहर 1984 के दंगों को लेकर कांग्रेस के सिख मुखालिफ पोस्टर चस्पान पाए गए। कोर्ट ने शंकर मिश्रा की जमानत दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शंकर मिश्रा पर इंडिया एयरलाइंस के प्लेन में एक महिला पर पेशाब करने का इल्जाम है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रान और आप मुझे देख रहे हैं द बोल्ड वॉइस पर। जैसे कि आपको मालूम है, द बोल्ड वॉइस आपके लिए न्यूज, व्यूज और ढेर सारा कंटेंट लेकर के आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, द बोल्ड वॉइस मेरे जितनी उम्र के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्ले योर टैलेंट। अगर आपकी उम्र 15 साल से कम है और आप एक्टिंग, मिमिक्री, डांसिंग, सिंगिंग करते हो तो आपने मोबाइल को इस तरह रख के वीडियो शूट करके इस नंबर पर भेजिए। याद रखिए, आपकी वीडियो 2 मिनट से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप अपनी वीडियो द बोल्ड वॉइस पे इसी तरह भेजते रहे। द बोल्ड वॉइस आपके टैलेंट को दुनिया के सामने इसी तरह रखेगा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि हरियाणा सरकार गांव के लोगों को मुश्तरका इस्तेमाल की मखसूस जमीनों के मालिकाना हकूक देगी अगर वो जमीनें उनके कब्जा में काफी देर से है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 सियासी पार्टियों को तहरीरी चिट्ठी लिखकर 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा की कंक्लूडिंग सेरेमनी में शामिल होने की दावत दी है। मर्दों का हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी बाराबत्ती स्टेडियम कटक में होगी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे मैच में 79 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज को 1-1 से बराबर किया। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का आखिरी वनडे मैच शुक्रवार को खेला जाएगा।